हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइनरी बीकर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बिन के बारे में। तो पहले हम जानेंगे कार्बिन होता क्या है। तो कार्बिन होने से क्या होता है ये जानने से पहले आप इस कंपाउंड्स को जरा देखिए। ओ सी ये कंपाउंड हुआ, और एक कंपाउंड ले लेते ये, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड्स को देखिए, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, तो इधर दो इलेक्ट्रॉन है और इधर भी दो इलेक्ट्रॉन है। सेम केस इधर भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। सेम केस इधर भी देखिए, टू टू टू, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन आपको और मुझे, हम सभी को पता है कि कोई भी कंपाउंड चाहेगा अपना ऑक्टेन पूरा करना, तो ऑक्टेन पूरा करने के लिए उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हुआ। और इसके पास लोन पेयर है, और ये दिखाता है कि ये बहुत अमीर है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में ये बहुत गरीब है, गरीब है इन द सेंस कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, लेकिन ये दिखाता है ये कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब हुआ कि ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है मतलब ये हाईली रिएक्टिव भी है। तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये बहुत ही रिएक्टिव है देन कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन, इन दोनों से भी ज़्यादा रिएक्टिव है ये कार्बन, ठीक है। और अगर हम इसका फॉर्मल चार्ज के बारे में देखेंगे, तो इसका फॉर्मल चार्ज अगर देखेंगे तो उसका 4 -2 -2 आपको फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं ये आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है। तो इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 0, मतलब कि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। समझ में आया कि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इट हैज़ नो फॉर्मल चार्ज। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है मतलब इसका जो हाफ लाइफ होता है वो बहुत ही कम होता है, मान सकते बहुत ही नैनो सेकेंड में उसका हाफ लाइफ होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका प्रॉपर्टी के बारे में कि कार्बिन होता क्या है। अब हम जानेंगे कि कार्बिन बनता कैसे, इसका इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो हम इसको चार मेथड से इसका इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चारों मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे मान लीजिए नीट जेई, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला जो मेथड है वो है फोटोलाइसिस और पाइरोलाइसिस ऑफ डायजोमीथेन। पहला जो होता है फोटोलाइसिस और पाइरोलाइसिस ऑफ डायजोमीथेन। डायजोमीथेन मीथेन कैसा होता है ये आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये होता है डायजोमीथेन का स्ट्रक्चर CH2N2, ठीक है। अगर हम इसको हीट करेंगे या फिर ऐसे हीट करेंगे या फिर ऐसे इसको सनलाइट में रखेंगे, तो
ये हमारा बनता है कार्बिन, CH2 और N2 देता है, ठीक है। तो हम इससे कार्बिन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि फोटोलिसिस और पायरोलिसिस ऑफ कीटेन्स। आप कीटोन नाम सुना होगा, लेकिन ये कीटोन नहीं, ये कीटेन्स है। सेकेंड है फ्रॉम कीटेन्स। ठीक है, तो कीटेन का स्ट्रक्चर्स होता है CH2 CC OO। इसको हम ऐसे ही हीट में या फिर ऐसे ही नॉर्मल लाइट पे छोड़ दें तो ये भी हमारा कार्बिन देता है और साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, ठीक है। ये तो प्रोसेस हुआ कि कैसे हम कार्बिन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं साइमन स्मिथ रिएक्शन। नेक्स्ट जो है साइमन्स स्मिथ रिएक्शन, इसके लिए हमें चाहिए CH2 I2 एंड जिंक कॉपर। इसको अगर हम हीट करेंगे तो हमारा कार्बिन होगा एंड ZnI2। चौथा जो है वो हम पॉली हैलोजन से बना सकते हैं। पॉली हैलोजन, पॉली हैलोजन जैसे आपको पता है, आप सुना ही होगा क्लोरोफॉर्म के बारे में, CH क्लोरोफॉर्म के बारे में आप सुना ही होगा। इसको हम बेस के साथ, अगर कोई भी बेस मान लीजिए NaOH, इसको हम अगर बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें CCl2 मिलेगा, NaCl और H2O ऐसे मिलेगा, तो डाइक्लोरो कार्बिन मिलेगा इधर से हमें, ठीक है। आप हमें एक बात बताइए, आपके लिए ये टास्क है कि जो क्लोरोफॉर्म है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, आपको क्या लगता है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ऐसे हम देखिए कि पॉली हैलोजन से हम कार्बिन बना सकते हैं। तो ये गया चार मेथड जिससे हम कार्बिन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कार्बिन कितने टाइप्स का होता है। तो कार्बिन दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगलेट कार्बिन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ, देखिए वो वाला जो रिएक्शन पहले हम बताए आपको, फोटोलिसिस और पायरोलिसिस ऑफ CH2N2, ये वाला रिएक्शन अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए, इसको अगर लाइट पे छोड़े तो कार्बिन आता है, ये भी कार्बिन देता है। और एक रिएक्शन था कीटेन से, जैसे CH2CO, इसको भी अगर हम हीट करें तो ये कार्बिन देता है। तो ये जो कार्बिन देता है और ये जो कार्बिन देता है, ये सिंगलेट कार्बिन देता है और ये ट्रिपलेट कार्बिन देता है, ठीक है। अभी हम इसको अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये एक आता है 2s2 एंड 2p2, ये 2s2 का एंड 2p2 सिंगल है, तो ये 2s2 एंड 2p2 का है, ठीक है। तो ये sp2 का हुआ, sp2 मतलब मान लीजिए ये प्लेनर, मतलब आपको पता ही है sp2 मतलब प्लेनर होता है। तो आगे हम देखेंगे
इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम कैसा दिखता है। तो ये दो पेयर इलेक्ट्रॉन और ये अनपेयर दो इलेक्ट्रॉन, इधर के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, और जो है वैकेंट ऑर्बिटल, ये दो वैकेंट ऑर्बिटल। तो अभी अब देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो अभी ये वाला और ये वाला, इन दोनों में, इधर से इन दोनों में, मैं दूसरे से दिखाती हूँ, इन दोनों का और इन दोनों में बहुत ही ज्यादा रिपल्शन होता है। तो मतलब ये धकेलता है इसको, जो पेयर अनपेयर्ड वाला था, तो इसके ऑर्बिटल को ये बहुत धकेलता है। तो इसके कारण इन दोनों के अंदर जो बॉन्ड बॉन्ड एंगल है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, 120 से ये कम होके 103 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है 112 pm। ये दोनों बात आप ध्यान रखिए, इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल कितना होता है। आपको काम आएगा, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इसका अगर हम स्पिन नंबर देखेंगे तो ये प्लस हाफ एंड प्लस हाफ है दोनों, सॉरी ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ है। ये तो पेयर हो गया, ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ है। तो स्पिन नंबर इसका हुआ प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, तो मतलब 0। और इसका स्पिन स्टेट होगा, ये फॉर्मूला आपको याद ही है, स्पिन स्टेट कैसे निकलते हैं, 2s+1। तो 2s+1 मतलब 2 × 0 + 1 मतलब 1, तो 1, इसीलिए इसको सिंगलेट कहा जाता है। अभी हम देखेंगे ट्रिपलेट के बारे में। ट्रिपलेट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2, सॉरी sp होता है, मतलब लीनियर होता है इसका स्ट्रक्चर। इसको इसको अगर हम कार्बन का देख लेते हैं एक बार, इसका 2 sp2 है, सॉरी sp है, ये एक ये एक ये एक हुआ, और ये 2px है, 2py एंड 2pz। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हुआ ट्रिपलेट का लीनियर स्ट्रक्चर, और बाकी दो जो है वो होता है वैकेंट। इसका एक एक करके दे देंगे इधर, और इधर भी एक एक करके होगा, इधर हाइड्रोजन के साथ अटैच होके पेयर बना लेगा, अभी इसको, अब ये लीनियर है तो इन दोनों का एंगल हुआ 180 डिग्री, एंड इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है 103 pm होता है। तो इधर बॉन्ड एंगल 103 है, इधर बॉन्ड लेंथ 103 है, ये दोनों नंबर्स आप याद रखिए, काम आएगा। तो इसका बॉन्ड एंगल 180 है एंड बॉन्ड लेंथ 103 है, ठीक है। एंड इधर इसका हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, तो मतलब इसका सिग्मा बॉन्ड बना दो, इधर भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ तो सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना CH के बीच में, sp2 एंड 1s के बीच में इसका बॉन्ड बना। तो इसका अगर हम स्पिन नंबर देखें तो वो होता है प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, तो मतलब 1, एंड स्पिन स्टेट होता है 2s+1 मतलब 3। तो
ये इसीलिए इसको ट्रिप्लेट कहा जाता है कि इसका स्पिन स्टेट 3 है। और हमने ये ट्रिप्लेट कार्बिन ये ऐसे बायरेडिकल होता है। आपको आगे पता चलेगा कि ये बायरेडिकल क्यों है। मतलब अब मान लीजिए ये बायरेडिकल है, ये सेम स्पिन है बायरेडिकल है, और ये एंटी एंटी पैरेलल स्पिन है। ठीक है, अभी हम इसका देखेंगे स्टेबिलिटी के बारे में कि स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है। जैसे सिंगलेट का हम ऐसे लिखते हैं, दोनों ऑपोजिट है, और ट्रिपलेट का ऐसे, दोनों सेम, या फिर ऐसे। ऐसे लिख सकते हैं ट्रिपलेट का। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, इनमें से सिंगलेट का ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सिंगलेट का जो बॉन्ड एंगल है वो 103 है। ठीक है, और इसका जो रिपल्शन था वो रिपल्शन बहुत ही ज्यादा है। रिपल्शन ज्यादा है इसका मतलब एनर्जी भी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है मतलब इसका स्टेबिलिटी भी कम है। ठीक है, और ट्रिपलेट का रिपल्शन कम है इसका, मतलब ये खुला खुला है, ऐसे खुला खुला रहता है, 180 है, तो रिपल्शन कम हुआ तो इसका एनर्जी भी कम है और इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब वह ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन आपको एक मजेदार चीज बताते हैं, आप अगर से हल और भी हेलोजन कंपाउंड के लिए CX2 मान लीजिए सिंगलेट और CX2 ट्रिपलेट, इन दोनों में अगर आप स्टेबिलिटी देखेंगे तो इसमें से सिंगलेट का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। आया ट्विस्ट? सिंगलेट का ज्यादा इसमें स्टेबिलिटी होता है, लेकिन क्यों क्यों सिंगलेट का ज्यादा होता है वही देखेंगे। सिंगलेट का जो, अगर हम इसको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, कार्बिन दो लोन पेयर है, दो वैकेंट ऑर्बिटल है, और इधर मान लीजिए CF2 के केस में हम देखेंगे इसको, ये एफ है, एफ के पास भी ऐसे लोन पेयर है, तो ये एफ का और इसका लोन पेयर इन दोनों में बैक बॉन्डिंग होगा, और ये बैक बॉन्डिंग इतना ज्यादा मतलब उसका स्ट्रॉन्ग है कि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ा देता है इसका बैक बॉन्डिंग बॉन्डिंग के वजह से। लेकिन आप अगर ऐसे ट्रिपलेट के केस में देख लेंगे, ऐसे ट्रिपलेट का क्या होता है, ट्रिपलेट ऐसा होता है, ऐसा होता है, मान लो इधर आपको आप हेलोजन रख लिए, सॉरी, तो इधर आप हेलोजन रख लिए, इधर भी हेलोजन रख लिए, तो क्या ही फर्क पड़ता है इसका, कुछ फर्क पड़ता है बैक बॉन्डिंग का, इधर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका इधर के केस में इधर का बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने के कारण इसका स्टेबिलिटी भी बढ़ा देता है। तो आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन गलत करके मत आ जाइए कि अगर ऐसा कंपाउंड है, हेलोजन लाइक कंपाउंड्स है, तो मतलब हेलोजन लाइक कार्बिन ऐसे कंपाउंड्स है, तो इसके केस में हेलोजन का सिंगलेट स्टेट का स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें भी देख लीजिए, जैसे 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 फ्लोरीन साइज, जैसे फ्लोरीन बढ़ेगा, फ्लोरीन का साइज बड़ा ही छोटा है, तो जैसे जैसे इसमें हम देख लेते हैं CF2 ये ज्यादा होता है केस इन केस, देन CCl2 देन CbR2। ठीक है, ये सीरीज आप याद रखिए, क्वेश्चन में काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।